बैक पेन की वजह से भरूच में एक प्राइवेट क्लिनिक में बताया था। तो प्राइवेट क्लिनिक वाले ने मेरे को एमआरआई को बोला था, तो मैंने एमआरआई करवाया, तो उसमें मेरा बैक साइड का जो L4 और L5 जो होता है उसके बिटवीन जो गादी होती है वो जरा सड़क के नीचे आ गई थी, तो जो स्पाइन होता है वो दब चुका था। तो मेरी दो डॉटर जो USA में है वो और मेरा सन UK में, तीनों ने सर्च किया। सर्च करने के बाद उसको एक डिसीजन पे आए कि सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद में डॉक्टर देवेंद्र झवेरी से अपॉइंटमेंट लिया। उनको बैक में सीवियर पेन थे और 3-4 दिन से वो चलने के लिए और इवन बेड में हिलने के लिए भी पॉसिबल नहीं था, वो व्हीलचेयर में आए थे। पेशेंट को MRI करने के बाद पता चला कि उसको L4 और 5 वर्टिब्रा में सीवियर स्टिनोसिस था। स्टिनोसिस सीवियर कंप्रेशन था और गादी बाहर निकल गई थी, इसके कारण बहुत पेन था। देवेंद्र सर ने बोला कि आपको सर्जरी तो कराना ही पड़ेगा और इधर सिम्स में आके हम एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद जवेरी सर ने मेरा सर्जरी किया। हमने ट्यूबुलर डिवाइसेस जो 19 मिलीमीटर का होता है स्पेशल, वो मंगवा के उसको माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टोमी एंड ट्यूबुलर माइक्रोस्कोपिक डिकम्प्रेशन किया। ऑपरेशन के बाद पेशेंट का पेन चला गया, ही वॉज मोबाइल ऑन द सेकेंड डेज एंड वेरी हैप्पी। मेरे को बहुत बढ़िया अनुभव हुआ। मेरे को पैर में पैर रखता था तो मेरे को दर्द होता था, आज मैं थोड़ा काफ़ी महसूस करता हूँ कि मेरे को सर्जरी के बाद अच्छा लगता है और अभी चलने में मेरे को थोड़ा अच्छा रहता है। डॉक्टर जवेरी सर का और मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल की पूरी टीम का मैं आभारी हूँ।